नमस्कार फ्रेंड्स, भुवन कुमार भारतीय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी यूनिट 5 को ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और राज्य जो है तो उसमें हम राज्य का अर्थ, परिभाषा वगैरह सब पढ़ चुके हैं और आज हम राज्य का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें राज्य के बारे में कुछ समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है तो वो थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में आपने क्वेश्चंस के पैटर्न देखे होंगे कि किन पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादातर वो आपके समाजशास्त्रियों ने उस एक पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है उसके बारे में क्या विचार दिए हैं या क्या कहा है, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे और वो क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भिन्न भिन्न जो समाजशास्त्री थे उन्होंने राज्य के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। राज्य और मार्क्स, ठीक है, तो राज्य के बारे में मार्क्स के क्या विचार थे ये आज हम देखेंगे, तो शुरू करते हैं। यद्यपि मार्क्स के पास राज्य के संबंध में कोई विकसित पूर्ण विकसित विचारधारा नहीं है, तो भी उसने अपने लेखन में इसका वर्णन कई प्रकार से किया है। मतलब कि उन्होंने जब अपना लेख लिखना प्रारंभ किया या समाज के बारे में या राज्य के बारे में कुछ भी लिखना प्रारंभ किया तो राज्य के संबंध में कई प्रकार के विचार उनके लेख में देखने को मिलते हैं। मार्क्स राज्य के विकास को समाज में श्रम विभाजन के रूप में देखता है। आपने मार्क्स की श्रम विभाजन की थ्योरी तो पढ़ी ही होगी, तो वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मार्क्स जो है वो राज्य को किस रूप में देखता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ बता रहा है ना कि मार्क्स जो है विकास को समाज में श्रम विभाजन के रूप में देखता है। ठीक है, प्राचीन समाज कम जटिल और सरल थे और उनमें श्रम विभाजन न्यूनतम था। जब हम श्रम विभाजन का सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो उसमें हमको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जब समाज का विकास प्राचीन से पूंजीवादी के रूप में हुआ तो यह अधिक से अधिक जटिल होता गया तथा इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय संगठित एजेंसी का उदय हुआ। अच्छा, इससे मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ कि क्योंकि इससे आप पूरी थ्योरी जो है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ब्लैक बोर्ड में क्या है कि मैं कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको बता सकूंगी, लेकिन ऐसे अगर आप पढ़ाऊंगी तो आप अच्छी तरीके से मेरे साथ आप भी पढ़ सकोगे, तो इसलिए जो टॉपिक जरूरत होती है जिसकी तो मैं उसको आपको थोड़ी अच्छे से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो जब समाज का विकास प्राचीन से पूंजीवादी के रूप में हुआ तो ये अधिक से अधिक जटिल होता गया और इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय संगठित एजेंसी का उदय हुआ। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय संगठित एजेंसी के उदय से क्या मतलब है? राज्य से, ठीक है, राज्य, ठीक है, जिससे अंततः राज्य का गठन हुआ उसके राज्य संबंधी विचार का समाज के वर्गीकरण के से निकट का संबंध है। उसके लिए राज्य का आधार बल है और राज्य उच्च वर्ग के हितों की रक्षा के लिए है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और पूंजीवादी समाज में सर्वहारा कहलाने वाले कमजोर वर्गों के दमन और शोषण के लिए शक्ति सत्ता का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उसके विचार मतलब कि जो मार्क्स के विचार थे, तो राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है अपितु मानव निर्मित संस्था है। तो जो मार्क्स मानता है कि राज्य जो है वो प्राकृतिक संस्था नहीं है बल्कि इसको मानव ने बनाया, ये मानव निर्मित संस्था है। मार्क्सवादी राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम और वर्ग शासन का साधन मानते हैं। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं वो राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानते हैं और वर्ग शासन का साधन मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार मार्क्स के लिए राज्य अनिवार्य रूप से एक वर्ग संरचना है, एक वर्ग का संगठन है, दूसरे वर्गों पर अपना प्रभुत्व रखता है। उसका विचार है कि मानवता के इतिहास में आर्थिक विकास की एक निश्चित अवस्था में राज्य का उद्भव हुआ और जब समाज संपन्न और विपन्न लोगों के दो वर्गों के बीच में बट गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि
मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार मानव की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि आर्थिक गतिविधि है। मतलब मार्क्स मानते हैं कि जो आर्थिक गतिविधि होती है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है राज्य के परिपेक्ष में मानव के द्वारा। तो उसके अनुसार किसी समाज द्वारा उत्पादन को व्यवस्थित और संगठित करने की प्रक्रिया को समझना और समाज की पूरी सामाजिक संरचना को समझने का सूत्र है ना। और मार्क्स का विचार है कि जीविकोपार्जन के साधनों का उत्पादन ही वह आधार तैयार करता है जिस पर विभिन्न संस्थाएं जीविकोपार्जन के साधन, मतलब कि जब एक राज्य के पास जीविकोपार्जन के साधन होंगे, जैसे कि आपके राज्य में लोग निवास करते हैं है ना, तो उनका जीविकोपार्जन कैसे होगा? वो कृषि करेंगे या कोई व्यवसाय करेंगे, उद्योग धंधे होंगे। जब वो आपके राज्य में कुछ उद्योग धंधा चल रहा होगा, तभी तो जो लोग जिनको कृषि नहीं आती है, तो वो दूसरा काम कर कर भी अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे है ना। तो जीविकोपार्जन के साधनों का उत्पादन ही वह आधार तैयार करता है, जिससे क्या होता है कि विभिन्न संस्थाएं, वैधानिक सिद्धांत, कला, लोगों के धार्मिक विचार पनपते हैं। तो ये एक राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि गैर आर्थिक गतिविधियां जैसे विचार, विश्वास, दर्शन, कानूनी सहायता, राज इत्यादि को ऊपरी ढांचा मानता है। मतलब ये सब जो चीजें हैं, ये राज्य का ऊपरी ढांचा है। ये देखिए यहां से, ये देखिए ये आपका ऊपरी ढांचा है ना। तो प्रत्येक प्रकार के समाज के ऊपरी ढांचे को इसका आंतरिक ढांचा, जैसे इसकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित करती हैं। फिर मार्क्स के अनुसार राज्य एक गैर आर्थिक संस्था है, इसलिए ऊपरी ढांचे का एक भाग है राज्य का गठन। उसकी गतिविधियां समाज द्वारा आर्थिक उत्पादन को संगठित करने के ढंग पर निर्भर करती हैं। मार्क्स ने समाज में वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न तरीकों को उत्पादन के प्रकार कहा है ना। तो मार्क्स ने मानवतावाद को 5 युगों के उत्पादन के प्रकारों के आधार पर विभेद किया है। और ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये है आदिम साम्यवादी, प्राचीन सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, ठीक है। ये है आपका, प्रत्येक अपने प्रकार के विशिष्ट राज्य और समाज को दर्शाते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से ये कहा गया था कि जिनके हाथों में उत्पादन के साधन है, वे राज्य का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। पहले यही सोच थी, जब भी समाज में उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, तो साथ साथ सरकार में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में भी दिया गया है इसका पूरा। अगर जो लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो इसकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी भी पढ़ लें। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा आपका मार्क्सवाद के बारे में बताया गया। फिर राज्य के बारे में वेबर ने क्या कहा है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने पॉलिटिक्स इज ए वोकेशन में लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य एक मानव समुदाय है, एक विशेष प्रकार की संस्था है जो एक दिए हुए क्षेत्र में शारीरिक बल प्रयोग करने को एक अधिकार का दावा करती है। इसके अनुसार ये हो सकता है, ये कोटेशन हो सके तो आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। ये देखिए, ठीक है। तो इससे उसका अभिप्राय क्या है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों से अपनी आज्ञा मनवाने मात्र को सुनिश्चित करना ही नहीं था, बल्कि तो राज्य के इस अधिकार को स्वीकृत देना था। इस प्रकार वैध हिंसा पर एक अधिकार राज्य की संप्रभुता को व्यवहार में प्रकट करता है। वह आधुनिक समाज में राज्य को एक अत्यधिक शक्तिशाली संस्था के रूप में देखता है। मतलब कि वेबर क्या करता है कि वो आधुनिक समाज जो है, आधुनिक समाज में राज्य को एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देखता है, क्योंकि इसे एक निश्चित क्षेत्र पर वैध ढंग से बल करने का एक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक राज्य के चार विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि राज्य के संबंध में जो वेबर ने चार विशेषताओं का वर्णन किया है, ये पूछ सकता है कि उसमें से ये कौन सी नहीं है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि उसमें से कौन सी विशेषताएं उसकी हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पहला तो यह है कि राज्य की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जिसे केवल विधायी तरीकों से, ना कि किसी लॉर्ड अथवा करिश्माई नेता के इशारों पर बदला जा सकता है। दूसरा, इसका अपना प्रशासन होता है जो कानून के अनुसार चलता है। फिर तीसरा है कि प्रशासनिक अधिकारी और जो न्यायपालिका अपने कानून को लागू करते हैं। और तीसरे, राज्य का अपने सदस्यों तथा अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यों पर बाध्यकारी अधिकार होता है ना। प्राय जन्म से ही सदस्यता प्रदान की जाती है। अंत में राज्य बल प्रयोग कर सकता है यदि यह कानूनी तौर पर मान्य एवं स्वीकृत हो। तो वेबर के लिए राजनीतिक समाजवाद समाज है जिसकी व्यवस्था अस्तित्व की एक निश्चित क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बल प्रयोग तथा बल प्रयोग की धमकी से की जाती है। तो ये कहते हैं कि एक राजनीतिक संगठन राज्य तब बन जाता है जब वह अपने निश्चित क्षेत्र में सफलतापूर्वक बल प्रयोग करने का वैध अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो इस कोटेशन को भी आप अंडरलाइन करके रखिए, लिख के रखिए, है ना। वैभव के संस्थाओं के अंतर संबंधों का आर्थिक संरचना और आर्थिक संस्थाओं पर निर्णायक महत्व होता है, ना कि इससे उलट, जैसे मार्क्स ने बताया। तो मार्क्स के विचारों को इसी से नकारते हैं, और वेबर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारण का विरोध भी किया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि तीन प्रकार की प्रभुता बताई है इन्होंने। एक तो चमत्कारिक, परंपरागत और ये देखो, ठीक है। उसके बाद आधुनिक राज्य में कानूनी विवेक सम्मत प्रभुता अधिक प्रखर है। फिर ये अपना प्रभुता के बारे में बता रहे हैं। फिर दुर्खीम ने क्या कहा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं आज ये टॉपिक। तो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक जो थी, उनकी पुस्तक प्रोफेशन एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स, जो 1957 में आई, राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन किया। उनके अनुसार राजनीतिक जीवन में शासित और शासक के बीच विरोध प्रमुख है। राज्य के प्रति उसके विचार अधिकाधिक उसके श्रम विभाजन की व्याख्या तथा समग्रता से संबंधित है। दुर्खीम राज्य के विकास को समाज में हुए श्रम विभाजन पर आधारित मानता है। जैसे जैसे समाज जटिल होते गए, तो शासित और शासक के बीच भेद होता गया और परिणाम स्वरूप राज्य का गठन हुआ। तो ये इस तरीके से बता रहे हैं कि जो राजनीतिक जीवन में शासित और शासक दो वर्ग बता रहे हैं ना, कि विरोध जो है वो प्रमुख होता है, और राज्य के प्रति उसके विचार जो थे वो अधिकाधिक उसके श्रम विभाजन की व्याख्या और समग्रता से संबंधित। तो दुर्खीम जो है राज्य के विकास को श्रम विभाजन पर आधारित मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे समाज जटिल होते गए और शासक और शासित के बीच में भेद बढ़ता गया, तो राज्य का गठन हो गया, है ना। फिर यांत्रिक समेकता, अर्थ विकसित आदि समाजों की पहचान जहाँ श्रम विभाजन ना के बराबर है, श्रम विभाजन के क्षेत्र में अधिक विकसित समाज समेकता से परस्पर जुड़ा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है ना कि, सॉरी, दुर्खीम के मत अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में अधिक लोगों पर नियंत्रण होना अनिवार्य है, अपितु विभिन्न गौर सामाजिक समूहों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इन गौर सामाजिक समूहों पर शासन करने वाले अधिकारियों के संगठन को राज्य कहते हैं। इसके बाद दुर्खाइम राज और व्यक्ति के संबंधों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। व्यक्ति पूरे समाज में ही समाहित है, लेकिन जैविक समेकता में वृद्धि होती है।
व्यक्ति और समाज पे इन्होंने कहा है, राज्य समाज के बीच स्पष्ट भेद बताया है ना। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जो कि आप, हाँ, देवर वाले में कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल सोशियोलॉजी विद सुवर्णा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सोशियोलॉजी वालों के लिए खास ये चैनल है। ठीक है, धन्यवाद।